नमस्कार। तो आज मैं प्रस्तुत करता हूँ और एक गेम मीर सुल्तान खान का, और आज का जो गेम है वो खेल रहे हैं ऑस्कर आहूस के साथ। ऑस्कर आहूस जो थे वो जर्मन के वरिष्ठ खिलाड़ी थे और जर्मन नेशनल चैम्पियन थे, और जर्मनी को 3 बार उन्होंने ओलंपियाड में रिप्रेजेंट भी किया था, और 1950 में उनको इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल भी दिया गया। तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी माने जा सकते हैं आहूस। और सुल्तान खान यहाँ खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ, और ये जो है लीज एक्सपोजिशन टूर्नामेंट 1930 में खेला गया है। तो आइए चलते हैं गेम की तरफ। तो आउस ने d4 से शुरू किया और फिर नाइट f6, उसके बाद c4, फिर e6 और नाइट c3 के बाद बिशप b4 खेलकर हम निम्जो इंडियन डिफेंस में आ पहुँचे हैं। निम्जो इंडियन डिफेंस बहुत ही पॉपुलर डिफेंस है, और टॉप लेवल चेस में भी निम्जो इंडियन डिफेंस काफ़ी खेला जाता है। d3, e3 ये मेन लाइंस हैं निम्जो इंडियन के, और b6 खेलने के बाद ये ए हुआ निम्जो इंडियन का रूबिनस्टीन वेरिएशन। यहाँ पे दो मूव्स हैं, एक तो नाइट GE2 और दूसरा है बिशप टू d3। इस गेम में खेला गया बिशप टू d3, बिशप टू b7, फिर नाइट टू f3, और दोनों साइड ने फिर कैसल कर दिया। यहाँ पे ब्लैक के दो प्लान्स हो सकते हैं, और तीसरा प्लान हम गेम में देखेंगे। सेंटर पे डायरेक्ट अटैक d5 और c5 खेल कर ब्लैक जो है सेंटर में वापस कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा। इस गेम में लेकिन सुल्तान खान ने खेला बिशप टेक c3, क्योंकि अभी किंग कैसल हो चुका है तो नाइट के ऊपर पिन नहीं है, तो इसलिए वो नाइट को निकालने के बाद जो आगे जो मूव्स हैं वो देखेंगे क्यों उस नाइट को एलिमिनेट किया गया। तो बिशप टेक c3 के बाद आया बी टेक c3। अब वाइट को डबल पॉन्स हैं लेकिन उनके पास दो बिशप हैं। तो ये जो निम्जो इंडियन में है ये काफ़ी कॉमन थीम है, जहाँ पे वाइट के पास स्टैटिक वीकनेस होता है लेकिन डायनामिक एडवांटेज होता है, क्योंकि दो बिशप्स होते हैं वाइट के पास। अब यहाँ पे d6 भी खेला गया है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा ऑफ बीट मूव जो उस ज़माने में शायद पॉपुलर रहा होगा, नाइट e4 खेला। तो नाइट अब c3 पॉन को अटैक कर रहा है, और नाइट जो है बिशप के साथ सपोर्टेड है। तो क्वीन c2 खेलने के बाद अब नाइट के ऊपर अटैक है, तो f5। f5 जो है नाइट को सपोर्ट भी करता है, और जो h7 पॉन है उसको अटैक से भी बचाता है। f5 खेलने के बाद नाइट d2 खेला, नाइट एक्सचेंज कर कर पॉन जीतने की साजिश अब वाइट की। यहाँ पे जो लाइन है मेन लाइन हम देखेंगे, जो मॉडर्न लाइन है यहाँ पे जो खेला जाता है वो है क्वीन h4। तो ये जो लाइन है क्वीन h4 बड़ा बड़ा अच्छा लाइन है, बड़ा ट्रिकी लाइन है। क्वीन h4 के बाद अगर f3 खेलना एकदम ज़रूरी हो जाता है, अगर f3 ना खेल कर ब्लैक ने वाइट ने सोचा कि क्वीन पे अटैक करेंगे और फिर क्वीन मूव करेगा तो फिर पॉन जीतने की गुंजाइश होगी, और अगर वाइट ने खेला g3 तो यहाँ पे वाइट ब्लैक के पास बहुत अच्छा मूव है, वो है नाइट g5। पहली बार जब ये मूव देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोई ब्लंडर है, क्योंकि क्वीन अटैक्ड है और वाइट क्वीन को तो ले सकता है, लेकिन आप देखेंगे अगर कि वाइट वाइट ने क्वीन को अगर लिया g takes h4 तो नाइट h3 पर चेक और मेट हो जाएगा। यहाँ पे सुल्तान खान ने खेला नाइट टू f6, नाइट को रिट्रीट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है तीन मेन लाइन है, बिशप a3 एक लाइन है, और फिर सेंटर पे इमीडिएट अटैक विद e4 ये दूसरा लाइन है, और तीसरा जो लाइन है ये f3 लाइन जो जो खेला गया गेम में, वो लाइन ज़्यादातर आजकल नहीं खेला जाता। ये इस लाइन में सिर्फ 10 गेम है मेगा डेटाबेस में। बट आइडिया f3 का बहुत सिंपल है। आइडिया यहाँ पे है कि e4 खेल कर सेंटर में पूरा जो है कंट्रोल जमा दें,
ये आइडिया है, लेकिन एक एक जो प्रॉब्लम है F3 का, जो हम देखेंगे जब गेम आगे बढ़ेगा, तब आप देखेंगे जो किंग का जो डायगनल है वो थोड़ा वीक हो जाता है, और इसे बाद में एक्सप्लॉइट करने की अपॉर्चुनिटीज ब्लैक के पास रहेंगी। सो गेम कंटिन्यू किया D6, E4, F takes E4, और यहाँ पे Knight takes E4, F takes E4 भी पॉसिबल है, बट Knight takes E4 किया, फिर Knight takes E4 ये भी खेल सकता है ब्लैक, यानी Knight takes E4 भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने एक्सचेंज ना करते हुए खेला H6। तो H6 जो है, पहला तो Knight G5 का थ्रेट था, और फिर H7 के ऊपर अटैक होता और E6 के ऊपर अटैक होता, और दोनों दोनों पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता, नामुमकिन हो जाता, इसलिए H6। तो इस तरह की जो डिफेंसिव प्रोफिलैक्टिक मूव्स जो हैं, इसके लिए सुल्तान खान बहुत माने जाते हैं, और उनके उनके बहुत सारे सब गेम्स में वो देखेंगे कि जैसे डिफेंसिव आइडियाज़ पहले, यानी जो अटैक है उसको पहले स्टॉप करो, उसके बाद अपना प्लान जो है आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे खेला Knight G3, उसके बाद Knight to D7 और Bishop to A3। तो Bishop to A3 ये थोड़ा इनएक्यूरेसी बोल सकते हैं, कि Bishop A3 डायगनल में बिशप का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि अगले मूव के बाद आप देखेंगे कि बिशप शट ऑफ हो जाता है A3 डायगनल में, इसलिए बेहतर ये रहा होगा अगर Bishop to E3 खेला जाए, तो A3 के जगह पे Bishop E3 ये बेहतर और बेहतर मूव हो सकता है। तो यहाँ पे खेल दिया इमीडिएटली C5, तो आगे बढ़ते हुए Queen to E2 खेला यहाँ पे। Rook to E8 यानी D6 E6 के ऊपर जो अटैक था उसको सपोर्ट किया। Rook F to E1, तो जो टारगेट है अभी E6 में टारगेट है उसके ऊपर अटैक किया गया। तो यहाँ पे सुल्तान खान ने वापस अपना एक प्रोफिलैक्टिक सेफ्टी मूव खेला, Knight to F8। ये Knight to F8 मूव है, बहुत यूज़फुल मूव है, क्योंकि नाइट जो है ये जो लाइट स्क्वायर वीकनेसेस हैं किंग के पास उसको कवर करता है। जो वाइट का ब्लैक का जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो बहुत दूर है किंग से, इसलिए दोनों बिशप्स किंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए जितने ज़्यादा डिफेंसिव पीसेस आप किंग के पास रख सकते हो उतना आपको बेटर रहेगा। और सुल्तान खान का जो स्टाइल है, ऐसे एक प्रोफिलैक्टिक स्टाइल था, तो ये ध्यान में रखते हुए सुल्तान खान ने खेला Knight to F8। ऑस्कर आउस ने यहाँ पे Bishop to C1 खेला, या मिस्टेक मानते हुए कि Bishop A3 में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, तो वापस उसको C1 से E3 में वापस ले आए। Rook to C8 यानी अभी सुल्तान खान ये इशारा कर रहे हैं कि देखिए अभी मैं C4 पॉन के ऊपर अपना नज़र रख रहा हूँ, और C4 पॉन के बाद C3 पॉन के ऊपर अपना नज़र रख रहा हूँ, Bishop to E3 और अब Bishop to A6। तो अब C3 पॉन के ऊपर, C4 पॉन के ऊपर जो है ऑलरेडी एक्सरे अटैक है रूक से, और डायरेक्ट अटैक है बिशप से, तो ऐसे भी Queen D7 खेल कर, शायद Queen A4 खेल कर और प्रेशर लाया जा सकता है C4 पॉन के ऊपर। आहूस ने खेला Rook E2 D1, यहाँ पे जो इमीडिएट थ्रेट है वो है Pawn takes Pawn। यहाँ पे Rook E7 बहुत यूज़फुल मूव है, ये आप आगे देखेंगे कैसे ये मूव काफ़ी यूज़फुल रहेगा बाद में। D takes C5, उसके बाद जो है B takes C5 खेला गया। यहाँ पे D takes C5 के बाद D takes C5 तो ब्लंडर होगा, क्योंकि Bishop H7 के बाद क्वीन के ऊपर अटैक है और चेक भी है, तो यहाँ पे क्वीन देना पड़ेगा दो पीसेस के लिए, रुक और बिशप के लिए, तो इसलिए B takes C5 ये थोड़ा फोर्स रेस्पॉन्स हो जाता है। अब Bishop F4, तो अभी आप देखेंगे कि Bishop F4 के बाद अटैक आ रहा है D6 के ऊपर, तो अभी Rook D7 खेल कर दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो D6 पॉन जो है वो सपोर्टेड हो जाता है, दूसरा है जो D5 खेलने का मौका मिल जाता है, और तीसरा जो है ये जो पीसेस
पिन था क्वीन के ऊपर डी फाइल में, वो भी निकल जाता है। तो रुक ई सेवन जो है बहुत बहुत यूज़फुल मूव रहा ये पोजीशन में। तो यहाँ पे खेला रुक ए टू बी वन और अब क्वीन ए फाइव, क्वीन ए फाइव में डबल अटैक हुआ सी थ्री पॉन और ए टू पॉन के ऊपर, क्वीन सी टू सी थ्री पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। तो अब सेंटर में खेला डी फाइव। तो यहाँ पे थोड़े एक फोर सीक्वेंस हम देखेंगे, फोर सीक्वेंस के बाद पोजीशन क्लैरिफाई हो जाएगा, फिर हम देखते हैं कि क्या होगा वो पोजीशन में। सी टेक्स डी फाइव के बाद पहले बिशप का एक्सचेंज, बिशप टेक्स डी थ्री, रुक टेक्स डी थ्री और यहाँ पे नाइट टेक्स डी फाइव खेला। जो अगर आप जल्दी जल्दबाजी में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद नाइट टेक्स डी फाइव से बेहतर होगा ई टेक्स डी फाइव, लेकिन ई टेक्स डी फाइव के बाद नाइट एफ फाइव हो जाएगा और सभी सभी पीसेस जो हैं ब्लैक के, बिशप नाइट रुक क्वीन, ये चारों पीसेस किंग साइड की तरफ अपना इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए सुल्तान खान ने खेला नाइट डी फाइव, बिशप टू डी टू और यहाँ पे और एक फोर्सफुल मूव सी फोर। अगर सी फोर सी फोर अगर नहीं खेलेंगे तो वाइट कुछ सी फोर खेल लेता यहाँ पे, इसलिए सी फोर। सी फोर खेलने के बाद रुक के ऊपर अटैक है, रुक के पास एक ही मूव है बचा हुआ जाने को, रुक डी फोर और अब ई फाइव और रुक ई फोर और फिर नाइट एफ सिक्स। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ फोर्सफुल मूव्स खेला उसके बाद पोजिशन अभी आप देखेंगे रुक सी डी एट के बाद को, कि जो कंट्रोल अब डी फाइल का पूरा ब्लैक के हाथ में है और प्रेशर है डी फाइल में, और वाइट के पास जो काउंटर प्ले है वो किंग साइड की तरफ है। और तो यहाँ पे नाइट एफ फाइव खेला क्योंकि ई फाइव के बाद जो है एफ फाइव स्क्वायर फ्री हो गया नाइट में, नाइट को आने को। किंग एच एट ये है बहुत ही मुश्किल मूव है खेलने को, क्योंकि ये मूव बहुत डीप मूव बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे जो सुल्तान खान ने पोजीशन देखा है बहुत आगे देखा है अपने ओपोनेंट से, तो ये मूव जो 31 मूव, 31 31st मूव है, 31वां मूव, हम आगे जाके देखेंगे कि ये मूव का क्या महत्व है। तो आगे बढ़ते हैं, बिशप ई वन, तो बिशप कुछ कास्ट कर नहीं रहा था इसलिए बिशप को रीपोजिशन किया जाएगा। अब नाइट ई सिक्स, बिशप ई थ्री और नाइट एफ फोर। अब नाइट एफ फोर के बाद नाइट जो है अब डी थ्री में जंप मार देगा और नाइट डी थ्री में बहुत पावरफुल पीस होगा, तो इसलिए बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप और अब रुक बी टू ई वन। यहाँ पे बहुत अच्छा मूव रुक टू डी थ्री, ये डबल अटैक है, एक तो नाइट के ऊपर अटैक है और दूसरा तो है सी थ्री पॉन के ऊपर अटैक। यहाँ पे खेला रुक ई फाइव, यहाँ रुक ई फाइव खेलने के बाद क्वीन टेक सी थ्री जरूर खेल सकते थे और ये अच्छा मूव हो सकता था। यहाँ पे क्वीन टेक सी थ्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन टेक सी थ्री के बाद क्वीन एक्सचेंज होने के बाद एक एक्स्ट्रा पॉन ब्लैक के पास आ जाता, लेकिन यहाँ पे खेला रुक डी टू ए टू डी फाइव। अब रुक एक्सचेंज का ऑफर है और अब नाइट टू ई सेवन। तो कार्ल आहूस जो है वो भी काफ़ी ट्रिकी चेस खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा रुक टेक सी फाइव, तो ऐसे लगता है कि शायद ये ब्लंडर है क्योंकि रुक जो है दो बार अटैक्ड है, तो रुक टेक सी फाइव, रुक टेक सी फाइव और अगर अब क्वीन टेक सी फाइव खेला जाएगा वो ब्लंडर होगा क्योंकि नाइट जी सिक्स चेक के बाद आपका क्वीन चला जाएगा, इसलिए पहले क्वीन बी सिक्स चेक, क्वीन अटैक था। अब किंग एफ वन, यहाँ पे अगर किंग एच वन खेला जाए ये एक मिस्टेक होगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो पॉज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। ठीक है, क्वीन बी टू ये मूव बहुत स्ट्रांग है क्योंकि क्वीन ए वन चेकमेट का थ्रेट है, क्वीन के ऊपर अटैक है और अगर क्वीन ने सेकेंड रैंक छोड़ दिया तो फिर क्वीन सी वन का मेट है, रुक डी वन का मेट है, यानी बैक रैंक मेट बहुत स्ट्रांग है, यानी क्वीन टेक्स बी टू के बाद रुक डी वन के बाद मेट चेकमेट जो है उसको रोकना नामुमकिन है। तो क्वीन डी सिक्स खेला यहाँ पे, क्वीन बी सिक्स चेक, किंग एफ वन, उसके बाद क्वीन डी सिक्स। तो रुक डी वन चेक का जो थ्रेट है अभी इमीडिएटली, तो
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए रुक E1 रुक को पीछे लिया, और यहाँ पे जो मूव खेला ये बहुत मुश्किल मूव है खेलने को रियल गेम में, कंप्यूटर एनालिसिस के बाद हम बोल सकते हैं हाँ ठीक है वगैरह वगैरह, मगर जो रियल गेम में जो मूव ये खेलना बहुत ही मुश्किल है। King to H7, क्योंकि अब अपना रुक को खुद से पिन कर रहे हो, सेल्फ पिन में लेके आ रहे हो रुक को। इसमें जो और एक एडवांटेज जो जो रहा है कि चेक है जो बैक रैंक में वो भी रुक जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, Queen B1 यानी B8 के ऊपर एक एक नज़र रखा जाएगा और पिन रखा जाएगा ये डायगनल के ऊपर। Queen B6, अब क्वीन एक्सचेंज का ऑफर है, अगर क्वीन एक्सचेंज हुआ Queen Dx B6, तो ये सिंपल सा वेरिएशन है Rook to C1, सी पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, फिर Rook to D2, ए पॉन को अटैक करते हुए A4, Rook to A2, वापस ए पॉन के ऊपर अटैक, Rook to B1, Rook Takes A4, Rook Takes B6, फिर Rook to A3, और फिर Rook to C6 और Rook Takes C3, और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन के बाद एक पॉन जो है प्लस होगा ब्लैक के पास। लेकिन कार्ल हाउस को ये पता था कि सुल्तान खान जो है एंड गेम के मास्टर हैं, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसे पोजीशन वो सुल्तान खान के साथ खेलें, इसलिए उन्होंने एक्सचेंज मना कर दिया Queen to C1। अब केला Knight to H5, ये नाइट जा कहाँ आ रहा है, Knight H5, नाइट न G3 पे जा सकता है ना F4 के पे जा सकता है, तो ये नाइट जा कहाँ रहा है, बहुत ही दिलचस्प सवाल। आप सोचिए नाइट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे Queen C2 यानी जो वेटिंग कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनका जो पोजीशन है हर पीस परफेक्ट पोजीशन में है, ये पीसेस को मूव करेंगे तो पोजीशन बिगड़ जाएगा, तो ये वेटिंग मूव खेल रहे हैं काफ़ी टाइम से। Queen C5, Queen C2 और अब Queen C5, तो ऐसे लगता है कि ब्लैक भी वेटिंग मूव खेल रहे हैं। ये सोचकर शायद कार्ल हाउस थोड़ा रिलैक्स हो गए यहाँ पे, और उन्होंने खेल दिया Queen to B1, और Queen to B1 है ये मिस्टेक मूव। यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि वो सेकेंड रैंक में अपना क्वीन को रखें, यानी ऐसे Queen to B2 वगैरह खेल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है Queen to B1 के बाद। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप पॉज करें वीडियो और देख सकते हैं, अगर आप फाइंड कर सकते हैं कि ब्लैक ने क्या मूव खेला यहाँ पे। बढ़िया, अगर आपने ये मूव फाइंड किया तो शाबाश, बहुत बहुत ही मुश्किल मूव है ये फाइंड करने को, क्योंकि इमीडिएटली ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ चेकमेट का चांस है वगैरह, लेकिन दो तीन मूव अगर आप डीपली पोजीशन में देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये अच्छा मूव होगा। Knight to G3 चेक, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, किंग के पास V2 स्क्वायर भी नहीं है, किंग के पास ना G1 स्क्वायर है, तो ये लेना तो लेना ही पड़ेगा नाइट को। तो H takes G3 और उसके बाद F takes G3, तो अब इमीडिएटली जो थ्रेट है वो F2 स्क्वायर पे है, तो ये बहुत ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वीन सेकेंड रैंक में रहता था तो F2 स्क्वायर पे थ्रेट नहीं रहता था Queen F2 मेट का, इसलिए अब Queen C2 खेलना ज़रूरी है क्योंकि Queen F2 मेट प्रोटेक्ट करना है। तो अब Queen to H5, तो यहाँ पे कार्ल हाउस ने रिज़ाइन कर दिया और सुल्तान खान ये गेम जीत गए, क्योंकि Queen A5 के बाद ब्लैक के पास वाइट के पास कुछ मूव नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं, तो ये वेरिएशंस, Queen H5 के बाद किंग अगर G1 में आया तो Queen H2 चेक, King F1, Queen H1 चेक, King E2 और Queen Takes G2 मेट। दूसरा जो लाइन है Queen H5 के बाद Rook to E2, फिर Queen to H1, तो इमीडिएट मेट है। तीसरा जो लाइन है Queen H5 के बाद King to E2, Queen to H2, और अब G2 पॉन के ऊपर अटैक है, यानी Queen Takes G2 मेट का थ्रेट है, और इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। अब Rook G1 करेंगे तो फिर आपको अपना रुक कोना पड़ेगा, यानी क्वीन अगर ले लेंगे तो Queen Takes G2 के बाद हालांकि रुक और नाइट है, लेकिन किंग का पोजीशन इतना एक्सपोज्ड है और दोनों पीसेस कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं, तो ये बहुत ही आसान विक्ट्री होगा ब्लैक के लिए। तो इसलिए Queen H5 के बाद सुल्तान खान ने ये गेम जीत लिया और कार्ल हाउस ने ये गेम रिज़ाइन कर दिया। बहुत ही बढ़िया गेम था,
सुल्तान खान ने जो ये गेम खेला, बहुत अटैक और डिफेंस को दोनों बैलेंस करते हुए, काउंटर प्ले ना अलाउ करते हुए पूरा गेम खेला। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगले टाइम तक धन्यवाद और बाय बाय।